मैं जीवन कुमार राजस्व कर्मचारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द रैंक होल्डर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है बिहार SSC के लिए, जो अभी इंटर लेवल में 12,199 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, चूँकि आपको इसका सिलेबस मालूम ही होगा, कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे कि आपको साइंस किस तरह से पढ़ना है, और मैं बताऊंगा कि मैं भी अपने समय जब बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी तो मैंने किस तरह से साइंस को कवर किया था। दोस्तों, साइंस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन उठाना है, यानी बिहार SSC इंटर लेवल फर्स्ट लेवल में जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार CGL के अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखना है और मेंस के क्वेश्चन को देखना है। आप सारे प्रीवियस पेपर को देखेंगे एक बार और सारे साइंस के क्वेश्चन हैं उसको आप बहुत गहनता से अवलोकन करेंगे और आपको खुद से दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर बुक्स का बात किया जाए तो मैं बोलूँगा कि सारा प्रीवियस पेपर को एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्या उठाता है, ताकि जब आप किसी बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कि नहीं, इस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर बुक्स का बात किया जाए तो मैं बोलूँगा कि लूसियन जो सामान्य अध्ययन का बुक आता है उसका तो साइंस पढ़ना ही है। इसके अलावा आप दृष्टि क्विक साइंस को फॉलो करेंगे। दृष्टि क्विक साइंस को पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और दृष्टि क्विक साइंस में आपको पर्यावरण के बारे में कुछ दिया हुआ है वो भी पढ़ लेंगे, चूँकि पर्यावरण का क्वेश्चन बिहार SSC में आते रहता है। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, दृष्टि के बुक्स को बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करना है। लूसेंट सामान्य अध्ययन का जो साइंस पोर्शन है उसको पढ़ लीजिएगा और फिर दृष्टि को पढ़ लीजिएगा। साइंस में प्रीलिम्स और मेंस में कभी कभार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आपको जब प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसको क्या करना है, आपको देखना है और देखना होगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ, उस टाइप का न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा। कभी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल आते हैं और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो साइंस का आपका यही स्ट्रेटजी है कि आप दृष्टि क्विक साइंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, अब आते हैं हम सामान्य अध्ययन की तरफ। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको क्या करना है, करेंट अफेयर के लिए SPD करेंट अफेयर्स का बुक उठाना है, और सामान्य अध्ययन का बुक किया जाए नॉर्मल तो आपको लूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ना है। लूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ने के बाद ही किसी और बुक को उठाना है। ऐसा ना हो कि लूसेंट सामान्य अध्ययन पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक मुझे याद नहीं है और किसी दोस्त के चक्कर में आ गए और नया बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटजी है। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो मैं बोलूँगा कि लूसेंट सामान्य अध्ययन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप लूसेंट को फॉलो करेंगे, और करेंट अफेयर के लिए SPD करेंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। SPD को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि SPD में वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होता है। आप एडिटोरिया का जब करेंट अफेयर को देखिएगा तो उसका क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, एरर कम होता है, बट क्वेश्चन की संख्या कम होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बुक को ही पढ़ें और ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़कर जाएं, क्योंकि आप इतना जान लो कोई भी एग्ज़ाम को पास करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट सामान्य अध्ययन को फॉलो करेंगे, पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसको रटना है बिल्कुल। ऐसा आपको मन में संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं, हम जो रटे हुए हैं वो मुझे याद है। उसके बाद हम मैथ्स की ओर आते हैं। तो मैथ्स के लिए भी वही करना है, प्रीवियस पेपर को उठाना है। आपको मालूम है टोटल 10 टॉपिक है मैथ्स में, उसका मैंने उसके लिए एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दिया है, आप देख सकते हैं मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक है। और मैथ्स में क्या करना है कि सारा प्रीवियस पेपर को एक बार बना लेना है खुद से। बनाने के बाद आप
आर एस अग्रवाल को बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी का जो भी वैकेंसी आता है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे वो इंटर लेवल का हो, कभी भी आर्ट्स मैथ नहीं पूछते हैं, एडवांस के मैथ नहीं पूछते हैं, मेंसुरेशन के मैथ नहीं पूछते हैं। वो उनका टॉपिक है समानुपात अनुपात, उसके बाद आपका औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, परसेंटेज हो गया और नंबर सिस्टम हो गया, इतने ही सारे टॉपिक हैं। सो मैथ्स के लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस चैप्टर का पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसको पढ़ ले, 20-25 बनाइए खुद से, और जब आप 10 टॉपिक ख़त्म कर लीजिएगा तो उसके बाद आप सेट जब आप लगाइएगा तो आपको सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद हम रीजनिंग क्या करते हैं, जो कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के लिए भी वही करना है, प्रीवियस पेपर को उठाना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, सारा क्वेश्चन को समझना है, चाहे वो बिहार सीजीएल का प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन देखना है। और उस टाइप के चैप्टर को आपको, आप अरिहंत का एक बुक आता है ठीक है, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, और जो प्रीवियस पेपर में रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पहले बना लें, बिल्कुल वो अच्छे से आना चाहिए। जैसे पुट भाषा वाला होता है कि आई एम गोइंग का मतलब मदर इज डाइड, तो ऐसे कोड वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद विमुक्त नंबर ये सब तो पूछे ही जाते हैं। तो आप अरिहंत के रीजनिंग के बुक को फॉलो कीजिए, प्रीवियस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर को बहुत बारीकता से अध्ययन करना है, क्योंकि वही आपका आधार है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों मैथ के बारे में मैंने बता दिया, साइंस के बारे में बता दिया, जनरल सामान्य अध्ययन के बारे में बता दिया और टीचिंग के बारे में बता दिया। अब मैं यही कहूँगा कि आपको शॉर्टकट कुछ नहीं पढ़ना है, जिन बुक्स का मैंने नाम लिया है उन बुक्स को, टॉपिक को जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद पूरे बुक्स को कंप्लीट करना है ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बताया है आप उसको फॉलो करके देखिए, आप बिल्कुल सफल होंगे, कोई ना कोई पद आप प्राप्त कीजिएगा ठीक है दोस्तों। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं होता है, आपको मेहनत करना है तो करना है। मैं जब पढ़ता तो हमेशा यही माइंड में सोचता था कि नहीं, मुझे पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ना है, मैं छोड़ू क्यों, अगर किसी टॉपिक को मैं छोड़ देता था तो मेरे मन में टेंशन हो जाता था कि कहीं उसी टॉपिक से क्वेश्चन आप पूछते। तो आपको भी कुछ इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपके मन में एग्जाम में बैठने से पहले कोई अपने ऊपर कोई शंका ना हो, अपने ऊपर कोई डाउट ना हो, आपको ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी और का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।